स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लेसन नंबर 4 का जो लॉस्ट स्प्रिंग है उसकी फर्स्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे और कंप्लीट इंसिडेंट्स को आई विल एक्सप्लेन फॉर यू। ओके, इट इज द स्टोरी अबाउट द रैग पिकर्स। इट इज द स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रन हु आर एंगेज्ड इन द वर्क ऑफ रैग पिकिंग। जो बच्चे रैग पिकिंग के वर्क में, कचरा बीनने के काम में लगे हुए हैं, उनके बारे में एक कहानी है। द ऑथर एवरीडे इन द मॉर्निंग मीट्स और एनकाउंटर्स सच चिल्ड्रन। वो रोजाना सुबह ऐसे बच्चों से मिलती थी। एंड वन डे शी आस्क्ड वन ऑफ देम, ठीक है, व्हाई डू यू डू दिस, कि बेटा ये वर्क तुम क्यों करते हो। तो द चाइल्ड नेम्ड साहेब, जिस बच्चे की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं उसका नाम साहेब आलम है। एंड व्हाट डिड ही से, कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू मैडम, कि मेरे पास कोई दूसरा वर्क नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम एंगेज इन द वर्क ऑफ रैग पिकिंग, दैट्स व्हाई एवरी डे आई सर्च द गोल्ड इन द गार्बेज। इसीलिए मैं कचरे में रोजाना गोल्ड को ढूंढता हूँ। गोल्ड मीन्स लाइवलीहुड। वो जो रैग पिकर्स है उनके लाइवलीहुड का जो मीन है वो कचरा है। उस कचरे में से उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिलती है जिन्हें आफ्टर सेलिंग देम दे गेट द मनी। उसके वो बेचने के बाद उन्हें पैसा मिलता है। व्हाट डिड द राइटर से, गो टू स्कूल विदाउट थिंकिंग अबाउट द प्रॉमिस। उसने कहा कि स्कूल जाया करो। I said half joking, author ने बिना किसी seriousness के ये कह दिया, because she knew very well that such advice is just useless or meaningless for the children like साहेब। साहेब जैसे बच्चों के लिए ऐसी advice की school जाया करो बिल्कुल useless और meaningless है, because there are no schools for the poor children and the government does not show any will for the education of the poor children. What did Sahib say? There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. उसने क्या कहा कि मेरे स्कूल, मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है, जब the administration बना देगा तो मैं definitely जाऊंगा। It means the child has the desire to go to school, but the situations does not allow him. Okay? After some days, वो सेम चाइल्ड ऑथर के पास आया। एंड व्हाट डिड ही आस्क, कि इज योर स्कूल रेडी मैडम, कि क्या आपकी स्कूल रेडी है। तो व्हाट डिड द ऑथर से, कि इट टेक्स टाइम टू बिल्ड ए स्कूल, कि एक स्कूल को बनाने में टाइम लगता है। शी वाज आल्सो फीलिंग एम्बैरेस्ड, और ऑथर एम्बैरेस्ड भी, शर्मिंदा भी फील कर रही थी, क्योंकि उसने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जिसको कीप करने का, निभाने का उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं था। बट शी आल्सो सेज कि लॉट्स ऑफ प्रॉमिसेज आर मेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर चिल्ड्रन, बट दे आर नेवर केप्ट बाय द गवर्नमेंट। कि वो जो पुअर चिल्ड्रन हैं, इनके बेटरमेंट के लिए हजारों वादे हर साल किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सोशल एजेंसीज के द्वारा, बट दे आर नेवर केप्ट, लेकिन उनको कभी निभाया नहीं जाता है। साहेब फैमिली बिलोंग्स टू बांग्लादेश, ओके, एंड दे वर लिविंग इन ढाका। ढाका जो कि कैपिटल सिटी है बांग्लादेश का, वहां से वो लोग माइग्रेट होकर इंडिया में एक जो स्लम एरिया है सीमापुरी, वहां आकर सेटल हो गए हैं। दे हैव कम टू इंडिया इन द सर्च ऑफ फूड, इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड, बिकॉज देर वर मैनी स्टॉर्म्स इन देयर कंट्री that swept away their homes as well as their fields. जहां वो लोग रहते थे वहां बहुत ज्यादा storms आते थे, तूफान आते थे, जो जिन्होंने उनके घरों को disturb कर दिया, उनके fields को disturb कर दिया, और that's why ये सभी लोग settle हो गए आकर दिल्ली में, दिल्ली के एक slum area, that is the name सीमापुरी। One day the author asked one of them, why do you not wear chappal? वो जो बच्चों का ग्रुप था, who are engaged in the work of rag picking,
जो रैग पिकिंग के वर्क में इन्वॉल्व है, उनसे राइटर ने क्वेश्चन किया कि आप चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हैं। तो उन्होंने अलग अलग एक्सक्यूजेस बनाए। किसी ने कहा कि मेरी मम्मी सेल्फ से टांडपे से उसको नीचे नहीं उतारती है। किसी ने कहा कि वो उतार भी देगी तो ये पहनेगा नहीं। एक बच्चे ने कहा कि आई वॉन्ट शूज, कि मुझे शूज चाहिए, जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी जूते नहीं पहने। और एक बच्चा हु वॉज वियरिंग द शूज बट दे डोंट मैच, एक बच्चे जिसने शूज तो पहन रखे लेकिन वो मैच नहीं कर रहे हैं, शायद अलग अलग कलर के कहीं से उठाकर उसने पहन लिए। वॉट डज द ऑथर से अबाउट दिस थिंग? ओके, द ऑथर सेज दैट द बेयर फुट ट्रैक पिकर्स या रिमेनिंग बेयर फुटेड हैज बिकम ए ट्रेडिशन फॉर द रैग पिकर्स। परहैप्स इट इज नॉट ड्यू टू द लैक ऑफ मनी, कि शायद ये पैसे की कमी के कारण नहीं है। अपनी जो परपिचुअल कंटिन्यूस पॉवर्टी है उसको शो करने के लिए शायद इन्होंने एक ट्रेडिशन को अडॉप्ट कर लिया है। और वो ट्रेडिशन क्या बन गया है कि जो बच्चे रैग पिकिंग का वर्क करते हैं, रैग पिकर्स हैं, दे मोस्टली रिमेन शूलेस और बेयर फुटेड, वो अक्सर शूलेस और बेयर फुटेड रहते हैं। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।